नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम कुरकुरी खस्ता पुदीना कचौरी। इसके लिए मैं पुदीना और मिर्ची को मिक्सी के जार में पीस लेंगे। बहुत बारीक हमें नहीं पीसना है, ऐसा पीसें कि उसके पत्ते छोटे छोटे दिखने चाहिए। चटनी जैसे बिल्कुल कंसिस्टेंसी वाली नहीं हमें पीसना है। चटनी से थोड़ा पहले जो होता है मोटा मोटा पत्ता सा दिखता है, वैसे पीस के इसे हम आटे में गूंद लेंगे। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। तब तक आटा आपको जितना बनाना हो, ये हम गेहूं के आटे में बना रहे हैं फ्रेंड्स। मैदा वैदा कुछ यूज़ नहीं किया हमने, गेहूं के आटे से बना रही हूँ। एकदम खस्ता कचौरी बनेगी। इसमें हमने मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल डाला है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब इसमें जो हमने पुदीना और मिर्ची पीसी है वो मिलाएंगे। कचौरियाँ तो सभी ने खाई हैं, पर पुदीने के टेस्ट वाली कचौरी बहुत ही टेस्टी लगती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये आप खा के कभी बना के देखिए। अब इसे हम गूंद लेंगे। एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूंदना है इसे, और लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम मिला लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी हम लोई तैयार करेंगे। पत्तों में भी ऐसे हमें दिखने चाहिए छोटे छोटे टुकड़े, वैसा हमें पुदीना पीसना है। ये देखिए, इसके हम पूरी के साइज़ के लोई बनाएंगे छोटी छोटी। ये देखिए, इस साइज़ के बॉल्स काट लेंगे हम। चलिए, अब पूरी बेलने के लिए तैयार है। चकले पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे हम पूरी के साइज़ में बेल लेंगे। अब इस पे भी ऑयल लगाएंगे हम और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। इसे हम रोल कर लें, अच्छे से रोल करना है, और जितना लंबा हो सके उतना लंबा रोल को बना दें पतला, ऐसे हाथों से दबाकर। फिर उस पे हम थोड़ी थोड़ी तेल लगाकर इसे लपेट लेंगे गोल गोल। ये देखिए, ये अब हमारी लोई अच्छे से तैयार हो गई है पूरी बेलने के लिए। इसी तरह हम सारी बना लेंगे। आपको जितनी भी बनानी है कचौरियाँ उतना ही आटा लें और झटपट इसे बना ले जब भी पुदीना कचौरी खाने का मन हो। आज मैंने मार्केट से बहुत सारे पुदीना ले आए, तो हमने सोचा चलो जल्दी से पुदीना कचौरी बना ले। ये देखिए, इसी तरह हमें सारी लोइयां तैयार करनी है। बस तैयार है। अब हम पूरी बेलेंगे और तलते जाएंगे इसे। इसके सारे लेयर्स निकल रहे हैं, तो ध्यान से हमें बेलना है। वैसे भी तेल में जाके तो लेयर्स अलग अलग हो ही जाएंगे, अच्छे से सावधानी से हमें बेलना है। ये अब इसे हम तेल में डाल देंगे। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा क्योंकि हमने इसके ऐसे लेयर्स बनाए हैं रोल करके, तो उसमें भी ये देखिए तेल में जाकर खुल गया, सारे लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं।
ये सारे तल गए हमारी कचौरियाँ। अब इसे आप किसी चीज़, कोई आलू की सब्ज़ी हो या दूसरी किसी भी सब्ज़ी के साथ, चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ आलू और चने की सब्ज़ी बनाई है, उसके साथ सर्व किया है। आप किसी भी सब्ज़ी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। कभी बनाइए अपने घरों में और ट्राई करिए, नाश्ते के टाइम, शाम के स्नैक्स के टाइम कभी भी आप बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। ये देखिए, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है क्योंकि पुदीने का फ्लेवर आ रहा है इसमें, और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं किया है इसमें। अजवाइन भी डाल सकते हैं बट मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, पुदीने का टेस्ट लेने के लिए किसी और चीज़ को ऐड नहीं किया मैंने। तो आप इसे अपने घरों में बनाइए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये कैसा बना। बाय बाय फ्रेंड्स।